जिस चीज के लिए तुम इतने उतावले हो रहे वो चीज तुम्हें थिएटर में दिख जाएगी, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरे हिसाब से मूवी सही है, देखने लायक है, बहुत तगड़ी है मेरे हिसाब से तो, मानो तो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? होप करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि आज 25 तारीख है यानी कि पठान मूवी रिलीज हो चुकी है। अभी जस्ट देख के आया हूँ, ठंड में इतनी लग रही थी, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे ढंग से, बाल भी इसलिए खराब हो गए थे, हेलमेट पहन के गया था बाइक पे देखने। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जीत रेस में गया था क्योंकि PVR की टिकटें सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी, ठीक है? और व्लॉग तुम्हें मिल जाएगा इसका कल 12-1 बजे तक। तो भाई बात कर लेते हैं, मूवी कैसी लगी मुझे इन वन वर्ड बताऊं तो तबाही। भाई मतलब एक एक चीज़ है ना, मतलब ये स्टोरी तुम्हें एकदम नई लगेगी। पहली बात तो हर उस वर्ड को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कहते हैं ना कि साउथ की कॉपी करता है बॉलीवुड, हर मूवी कॉपी करके वो बना देता है उसकी स्टोरी, तो इस मूवी में बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया है। ये मूवी प्योर मतलब नई, एकदम नई भाई। पहले मतलब पहली बार तुम इस मूवी को देखोगे ना, इतना तगड़ा तुम्हें लगेगा ना। मतलब शाहरुख खान वो खुद में ही एक मतलब दमदार आदमी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है भाई। उसने इतना तगड़ी एक्टिंग कर रखी है ना इस मूवी में। मतलब एक तो वो 4-5 साल बाद वापस आ रहा है, दूसरी बात उसकी जो एक्टिंग लेवल है ना, मतलब वो तो लग ही नहीं रहा भाई। वो इतना इतनी एज का है, 57 का है वो लग नहीं रहा भाई, बिल्कुल ही 57 का है। उसकी बॉडी इतनी तगड़ी, जॉन अब्राहम की बॉडी इतनी तगड़ी, हमारी बॉडी बनती नहीं, ठीक है? फिर मैंने ये डायलॉग बोल दिया क्योंकि बॉडी बनाने में लगे हुए हम भी। मूवी का मतलब बैकग्राउंड साउंड एक नंबर, मतलब बहुत, जब हॉल में बैठे थे ना, थिएटर में बैठ के जब आवाज़ आ रही थी इसकी, जो मेन थीम है पठान की, मतलब वो इतनी तगड़ी लग रही थी ना भाई। और क्या बात कर लो उसकी, भाई जॉन अब्राहम की बात कर लो, बंदा इतना तगड़ा लग रहा है, मतलब तुम देखोगे फैन हो जाओगे। मुझे कई पॉइंट में ना शाहरुख खान से बढ़िया जॉन अब्राहम लगा है, और जिन्होंने मूवी देखी है मुझसे इस बात से एग्री करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर तुम भी एग्री करते हो तो। मतलब भाई उस बंदे की तो पहली बात तो बॉडी तो है ही इतनी तगड़ी, ठीक है? दूसरे उसकी लुक्स भाई, एक्टिंग इस मूवी में उसकी बहुत मुझे अच्छी लगी। वैसे मुझे उसकी एक्टिंग इतनी पसंद नहीं है, और भाई हर मूवी तो परफेक्ट होती नहीं, तो इस मूवी के भी कुछ डाउन साइड है कि जो पहले बात मुझे इसका लगा VFX भाई, कई सीन्स में ना तुम्हें VFX बहुत मतलब बच्चों ऐसा लगेगा यार, मतलब आपको लगेगा कि यार क्या है ये, इससे अच्छा तो मैं एडिट कर दूंगा, मतलब समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ मुझे इसकी भाई, मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत तगड़ा लगा उसके सेकंड हाफ से। मैं ऐसा नहीं कह रहा इसका सेकंड हाफ बेकार है, पर सेकंड हाफ के मुकाबले में मुझे फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है? और क्या, दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण का रोल मुझे ठीक ठाक ही लगा, इतना कुछ खास लगा नहीं। एक तो गाना में थी वो, उसका मतलब रोल है, मेन रोल है, पर मुझे उतनी कुछ खास ही लगी। और जिस चीज़ का तुम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, तो तुम्हें लगेगा कि और भी सुपर हीरो कह रहा हूँ यार। अबे जल्दी बोल। टाइगर, एक मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? टाइगर और कबीर में सिर्फ एक ही बंदा इस मूवी में तुम्हें दिखाई देगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जिस चीज़ के लिए तुम इतने उतावले हो रहे वो चीज़ तुम्हें थिएटर में दिख जाएगी, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मैं एक और बता दूँ इस मूवी के बारे में कि मुझे कुछ कुछ जगह ये मूवी हल्की सी बोर भी लगी, क्योंकि जो सीन की ज़रूरत नहीं है ना मूवी में वो ज़बरदस्ती घुसाए गए हैं, ठीक है? उन सीन की ज़रूरत थी नहीं। और अगर बाकी बात करो तो भाई तगड़े सीन तो वो थे जब शाहरुख और जॉन अब्राहम की फाइट होती है, तो वो तुम्हें खूब मिलेगी इस मूवी में, और वो अच्छी भी लगती है भाई देखने में। मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द मूवी जब शाहरुख और जॉन अब्राहम आपस में लड़ते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। बाकी अगर मेरी राय जाननी है तो भाई मेरी मानो तो देख लो मूवी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बॉलीवुड ने इतनी तगड़ी मूवी रिलीज़ करी है। मतलब बढ़िया लग रहा है यार शाहरुख खान की, मतलब बढ़िया मूवी है। और जो बॉयकॉट कर रहे हैं यार, पता नहीं, समझ में नहीं आता, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। तो इंतजार क्या कर रहे हो, टिकट बुक करो, जाओ देख के आओ मस्त, ठीक है? चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक नई व्लॉग या वीडियो, जो भी होगा तुम्हें दिख जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मैं ये बाल बढ़ा लूँगा, मुझे शाहरुख खान की जगह कास्ट कर लेंगे वो लोग।